अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। मैं हूं शबनम इस्लाम और दोस्तों आज मैं आपको मटन लेग रोस्ट करने की रेसिपी देने जा रही हूं। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसे ज़्यादातर लोग बाहर ही रोस्ट कराते हैं। मटन लेग को, मटन की रान को बाहर रोस्ट कराया जाता है और विद फैमिली उसे बैठ कर बहुत ही शौक से इंजॉय करती है, बहुत ही शौक से खाना पसंद करती है। आप इसे घर में भी बआसानी रोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में रोस्ट कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही बढ़िया तैयार होती है बनकर। आइए चलिए इसे रोस्ट कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। बकरे की रान को रोस्ट करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कच्चा ही मेरीनेट करके रख दें रेफ्रिजरेटर में एक दिन के लिए, और दूसरे दिन आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लें, अच्छे से कुक कर लें, तो ये टेंडर भी हो जाएगी और जो मसाले हम इस पे लगाएंगे वो इसके अंदर तक एब्जर्व हो जाएंगे, कहीं से भी हमारी बोटियाँ फीकी नहीं होंगी, बहुत ही शानदार बन जाएंगी ये। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 5 से 6 घंटे में इसे तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसे पहले अच्छे से बॉईल कर लें, इसे अच्छे से टेंडर कर लें, उसके बाद आप इसे मैरिनेट करके रख दें मसालों के साथ, और जब ये मैरिनेट हो जाए तो 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे कुक करें। तो दोनों ही तरीके शानदार हैं, लाजवाब हैं। किसी भी तरीके से आप इसे बनाइए, बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार होगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसे आज ही कुक करूँगी, तो मैंने यहाँ पर पहले इसे बॉईल करना है। मैं इसे पहले बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे मसालों से मैरिनेट करूँगी। रान को बॉईल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले हम आपको वो बता देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, इसे मैं 2 जगह ऐड करूँगी रान को बॉईल करते वक्त, और मैरिनेशन का मसाला जो हम तैयार करेंगे 1/2 नमक हम उसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है कचरी पाउडर, ये गोश्त को गलाने के काम आता है, इससे रान बहुत जल्दी से टेंडर हो जाएगी। 2 टेबल स्पून हमने भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है। तो चलिए पहले रान को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम 1/2 नमक ऐड कर देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, कचरी पाउडर ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें ये जो हमने गैचेज इसमें लगाए हैं रान के ऊपर, इस तरीके से रब करते हुए इसे पूरी रान पर लगा लेंगे इस मसाले को, आगे पीछे चारों तरफ बहुत अच्छे से हम इसके अंदर तक कोट कर देंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे और इसके दूसरी साइड भी लगा लेंगे इस मसाले को। मसाले को हमने पूरी रान पे बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब हम एक वेसल ले लेंगे, कोई भी बड़ा सा वेसल आप ले लीजिए जिसके अंदर ये रान पूरी अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, इस तरीके से हम इसके अंदर रान को शिफ्ट कर देंगे और इसे इस तरीके से। रान का बर्तन के अंदर आना ज़रूरी है क्योंकि इसे हमें कवर करके पकाना है टेंडर करने के लिए। तो आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अगर आपके पास बड़ा सा कुकर अवेलेबल है तो आप इसे कुकर के अंदर भी कुक कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर से कुछ कम पानी ले लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और हाई फ्लेम पर रख दूँगी कुक करने के लिए। वेसल को उठाकर मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। 10 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक करूंगी, 10 मिनट के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसे स्लो टू मीडियम कर दूंगी ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसे हम ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे, फ्लेम को एडजस्ट करते हुए इसे कुक करेंगे। जब तक रान बॉयल हो रही है हम आपको इसके मैरिनेशन के मसाले बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2/3 कप लिया है फ्रेश और गाढ़ा दही। अगर आप इसे टेबल स्पून से देखें तो ये हमारे पास 10 टेबल स्पून दही है। 1/4 कप हमने यहाँ पर लेमन जूस लिया है, 3 बड़े साइज़ के नींबू का हमने यहाँ पर जूस निकाला हुआ है। नमक लिया है जो हमने बचाया था, ये 1 टीस्पून के करीब है। 1 टेबल स्पून खसखस को लेकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 टेबल स्पून भरकर हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 10 से 12 हमने बादाम लिए थे जिसे पानी में भिगोकर इनका छिलका हमने हटा दिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में डालकर इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर लिया है, यानी कि धनिया पाउडर। 5 हमने हरी मिर्ची ली थी जिसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ली है हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है।
तो ये सब हमारे मैरिनेशन के मसाले हैं। हमारी मटन की रान को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। बीच बीच में हमने इसे 4-5 दफ़ा चेक कर लिया था ताकि हमारी रान नीचे से जले नहीं। प्रेशर के ऊपर हमने तसले में पानी भरकर रख दिया था ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। ये पानी भी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, इसे हम हटा लेते हैं। अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए रान काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। ये हम आपको बोटी तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए बोटी इजीली टूट रही है, अच्छे से टेंडर हो गई है, 90% तक कुक हो चुकी है। इतनी ही काफ़ी रहेगी हमारी रान। ये देखिए बहुत अच्छे से टूट रही है बोटी। इसके अंदर थोड़ी सी पानी की कमी पड़ी थी तो हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड कर दिया था। अब अच्छे से ये कुक हो चुकी है। रान को हमने एक बड़े से बर्तन में बाहर निकाल लिया है। इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब तक ये हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम अपने मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे हम दही, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी और जायफल जावित्री का पाउडर डाल देंगे, खसखस पेस्ट डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, बादाम में हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे, जो नमक हमने बचाया था वो भी ऐड कर देंगे, सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मसाला हमारा तैयार है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो अपनी रान ले लेंगे। रान हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। इसे हमने 1 घंटा मीडियम फ्लेम पे कुक किया है और बाकी आधा घंटा हमने इसमें 1 कप पानी डालकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे कुक किया है। अब हम इसे मसालों से मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। जो कट्स हमने ये लगाए हैं इसके अंदर भी बहुत अच्छे से मसाले को फिल कर लेंगे इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए। हमने रान के दोनों तरफ मसाला बहुत अच्छे से कोट कर दिया है। देखिए बहुत अच्छे से लगा दिया है दोनों तरफ। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। तब तक हमारा मसाला बोटियों में बहुत अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा, पूरी तरीके से रच बस जाएगा इसके अंदर। रान को हमने बहुत ही केयरफुली बॉईल किया है, आप देख सकते हैं। वेसल में हमारी रान बिल्कुल भी जली नहीं है, बहुत हल्के से ब्राउनिश स्पॉट आए हैं इसमें पकते पकते। रान बिल्कुल भी नहीं जली है। इसे हमने बीच बीच में चेक किया है बार बार ताकि ये जले नहीं। ये देखिए उसमें से एक पीस बोटी का गलकर अलग हो गया है। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट रहा है। देखिए रान बहुत ही परफेक्टली कुक हुई है, बहुत अच्छे से गल गई है ये। तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। तो आप भी बहुत ध्यान से रान को बॉईल कीजिएगा। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं हमारी मटन की रान को रखे हुए। मैंने इसे किचन काउंटर में ही रख दिया था, मेरे पास टाइम था तो मैंने इसे ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया था। अगर आप इंस्टेंटली कुक करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए भी मैरिनेशन के साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि मटन की रान हमारी ऑलरेडी टेंडर है तो मसाले इसमें आधे से 1 घंटे में भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। और ज़्यादा टाइम है आपके पास, ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं आप, तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, फिर आप इसे बाहर ना छोड़ें। तो चलिए तैयार है, अब हम इसे कुक कर लेते हैं। हम अपनी मटन की रान को किचन में पैन के अंदर ही बनाएंगे। इसके लिए हमें किसी भी ओवन या तंदूर की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, बटर में भी इसे कुक कर सकते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे अपनी रान। अगर आपके पास इतना बड़ा पैन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी भारी बॉटम का बर्तन ले सकते हैं, बड़ा सा, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, ये उसके अंदर भी कुक हो जाएगी। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए घुमाते हुए हम इसे इसकी साइडें चेंज कर करके पकाएंगे। इस तरह से उलटते पलटते हुए इसे पकाएंगे, इस तरह से जलने नहीं देंगे। अगर आपकी रान बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं हुई है, उसमें कसर बाकी है, तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं। तो इसे आप एक लिड से ढक दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हटाकर आप इसे घुमा घुमा कर अच्छे से भूनिए।
तो ये इस तरीके से भी पकाई जा सकती है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं रान को सीखते हुए मीडियम फ्लेम पर, आप देख सकते हैं इसने अपना पानी रिलीज कर दिया है। ये दही का अपना पानी है, हम इसे रेगुलर इस तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से भून रहे हैं ताकि ये चारों तरफ से इक्वली ही फ्राई हो, अच्छे से भून जाए। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। फिलहाल तो ये इसका अपना पानी है, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी भी ऐड करके इसे भूनेंगे। जितना भी मसाला हमारा तसले में बचा था ये भी हम इसी के ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा सारा ही मसाला यूज़ में आ जाए, कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है। फ्लेम को हमने मीडियम ही किया हुआ है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रेगुलर घुमाते हुए चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमारी रान को सिकते हुए। इसे हमने इस बड़े से तसले से कवर कर दिया था ताकि स्टीम की वजह से जो कट्स में हमने मसाला भरा है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए रान हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसे हम बहुत आसानी से घुमा पा रहे हैं क्योंकि इसकी जो ये बोन है इसे पकड़कर बहुत आसान हो गया है इसे घुमाना। इतनी बड़ी रान को आप किसी स्पैचुला से किसी भी चम्मच से आप नहीं घुमा सकते, तो इसे बड़ी आसानी से हम इस तरीके से पकड़ पकड़ के चारों तरफ से हमने घुमाते हुए इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। ये जो मसाला हमारा पैन के अंदर है वो इसे हम स्पून की मदद से उठाकर इसके कट्स में इस तरीके से भर लेंगे। ये रान हमारी पूरी तरह से तैयार है, बहुत अच्छे से पक चुकी है, सिक चुकी है, बहुत अच्छे से इसमें ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी रान पूरी तरह से तैयार है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ हमने एक चारकोल गर्म करने के लिए रख दिया है, इसके बीचों बीच हम एक कटोरी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी रख दी है, अब हम इसके बीच में उठाकर अपना चारकोल रखेंगे। देखिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे घी, इसमें इससे बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही शानदार। देखिए अब हम इसे फौरन से कवर कर देंगे। इसकी लिड थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो हमने इसे इस तसले से ढक दिया है, इस तसले से ढक ढक कर ही हमने इसे कुक किया है। तो इसे 10 मिनट हो चुके हैं रान को स्मोकी फ्लेवर के साथ, और ये देखिए इसमें से अब धुआं आना बंद हो चुका है। तो इस कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। रान हमारी पूरी तरह से तैयार है, बहुत अच्छा सा स्मोकी तंदूरी फ्लेवर इसके अंदर बच चुका है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे एक सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे और अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। ये लीजिए दोस्तों हमारी मटन लेग रोस्ट या तंदूरी मटन रान बनकर तैयार है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, सभी तंदूरी फ्लेवर के साथ। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, घर में ये बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। एक बार आप इसे घर में बनाएंगे तो बाहर से तंदूरी रान बनवाना पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसके फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक यूनिक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।